फरजाना, तुम बच्चे को मेरी बताई हुई क्वांटिटी दे रही हो ना दवाई की, उसे ज्यादा मत देना वरना वो मर जाएगा, और इसमें हम बिल्कुल भी ऐसी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। मैडम जैसा आपने समझाया मैं वैसे ही दे रही हूँ। बस ठीक है, इस चीज का बहुत ख्याल रखना, उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मैडम आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ठीक है तुम जाओ। खाना तो उसी, और जल्दी से बाहर वापस आना, समझ आई? आलम भाई प्लीज मेरी मदद करें, मेरा बच्चा, मेरा आलम भाई प्लीज। इतनी देर क्यों लगा दी थी? मैडम वो खाना नहीं रखने दे रही थी। आलम तुम जानते हो ना कि हमने इस घर से सारे नौकरों को निकाल दिया है सवाए तुम्हारे और फरजाना के, क्योंकि हम तुम्हारे खानदान वालों को जानते हैं। तुम्हारा बाप भी इस घर में मुंशी था। उम्मीद है कि तुम धोखा नहीं दोगे। जी मैडम मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा। अच्छा तुम अपना घर बनवाना चाहते थे ना भावलपुर में? जी जी मैडम। समझो कि बन गया, लेकिन इस घर की कोई बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैडम नौकर हमेशा मालिक का वफादार रहता है। ठीक है जाओ। हेलो मैडम, मैं निम्मो। निम्मो तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? मैडम सब तबाह हो गया, सब बिखर गया, सब खत्म हो गया। वो रोशनी और सिकंदर ने उन्होंने अमान को अगवा कर लिया, मेरे शायद को भी मुझसे दूर लेकर सब सब उस जायदाद की खातिर। अच्छा निम्मो तुम रो मत, मुझे ये बताओ ये सब हुआ कब और तुम इस वक्त कहाँ हो? मैडम मैं आपसे भी तफसील में बात नहीं कर सकती। आलम भाई का नंबर है, वो आपको कॉल करेंगे, लेकिन प्लीज मैडम आप मेरी मदद करें, प्लीज मुझे सबसे निकाल लें। निम्मो जो भी प्रॉब्लम है मुझे पता तो चले, फिर मैं कुछ कर सकूंगी तुम्हारे लिए। मेरे अमान और शायद को बचा ले। तुम परेशान मत हो। मैडम आपको आलम भाई कॉल करेंगे, मैं भी ज्यादा तफसील में बात नहीं कर सकती। ठीक है ओके, खुदा हाफिज़। क्या हाल हो गया यार तुम्हारा? आज अगर बड़ी मॉम जिंदा होती तो तुम्हें देख के बहुत दुखी होती। बकवास बंद करो, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरी मॉम का नाम लिया। यू चीटर, सारी जिंदगी उनको धोखा देते आए हो तुम। ओहो तो मेरा भाई समझदार बहुत हो गया। इसीलिए आखिरी वार्निंग देने आया हूं। जो डैड कह रहे वो मान लो, वरना तुम तो अंजाम जानते हो कि क्या हो। और यार मैं नहीं चाहता कि खूनी रिश्तों में खून बहे। तो कह रहा जान से मार दो ना, बात खत्म कर दो, लेकिन मैं और निम्मो तुम्हारी किसी बात में नहीं आएंगे।
तुम्हारी ये ख्वाहिश भी हम पूरी करते हैं। यू डोंट हैव टू वरी। क्या कहते हो तुम उसे? प्यारी निम्मो। बहुत तकलीफ है यारो, अपनी नहीं तो उसके खातिर ही समझौता कर लो। मैं जो बात कह रहा हूं उसे समझो। मेरी निम्मो इतनी कमजोर नहीं कि तुम और तुम्हारे बाप के सामने झुक जाए, तुम लोग की बातें मान ले। हरगिज नहीं। वाओ, मेरा भाई समझदार होने के साथ हिम्मत वाला भी हो गया। साथ इज्जत मत करो और जो कह रहा हूं वो मान लो। अभी भी टाइम है, बात समझ जाओ वरना कल के सूरत के साथ तुम दोनों की मौत लिखी होगी। यार तुम कुछ नहीं कर सकते। इसी कल तक अच्छी खासी खातिरदार करो, मुझे कल इनकार नहीं चाहिए। नहीं नहीं जयान, तुम निमो को कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं कर सकते। तुम उस्ताद जयान, निमो कभी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, समझ में आई तुम्हें? रोक के सर। क्या हालत बना ली अपनी? वहां आबान की हालत भी कोई खास अच्छी नहीं, और शायान वो तो छोटा बच्चा है, उसका ही लिहाज कर लो और मान लो हमारी बात। अब देखो ना, तुम्हारी वजह से हम सबका सुकून बर्बाद हो गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मानोगी ना हमारी बात?